हमारे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। ये एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, उसको इसमें डाल देंगे। आप बेसन को छान कर भी ले सकते हैं। मैं विस्क की मदद से इसकी गुठलियों को प्लेन कर लूँगी। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून शुगर ली है, इसमें डाल देंगे। ये कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची और ये नींबू और राई, ये हमने तड़के के लिए लिया है। और बेकिंग सोडा हम लास्ट में ऐड करेंगे ढोकले में। आधा नींबू मैं ढोकले में ऐड कर दूंगी अभी बैटर में, और आधा नींबू हम तड़के के लिए रखेंगे। आधे नींबू का रस इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हम विदाउट इनो बनाने वाले हैं ढोकले को, बेकिंग सोडे से बनाने वाले हैं हम। बहुत ही इजी है और बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट ढोकला हमारा बनने वाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका स्मूथ और प्लेन बैटर बना लेंगे। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये देखिए, हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। कोई भी लम्स नहीं है, इतना पतला रखना है आपको बैटर को। पूरा आधा ग्लास पानी लगा है हमको बैटर बनाने में। अब इसको मैं कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट होने दूंगी। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप बबल्स आ गए हैं इसमें। अब हम एंड में इसमें 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद आपको ज़्यादा फेंटना नहीं है बैटर को, वरना बेकिंग सोडे का जो पावर आता है इसमें, जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो जाता है, वो पावर उसका चला जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा फेंटना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स कर लेना है आपको। और मिक्स करते साथ ही फ़ौरन टीन में डालकर इसको आपको रख देना है स्टीम के लिए। ये देखिए, बेकिंग सोडा डालने से हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। ये मैंने टीन ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें हम बैटर को डाल देंगे। ऑयल से मैंने इसलिए ग्रीस किया है ताकि हमारा ढोकला इजीली निकल जाए। बैटर को हमने डाल दिया है टीन में पूरा। अब इसको स्टीम कर लेते हैं, थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। ये मैंने इडली स्टीमर ले लिया है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी पतीली या फिर कुकर भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉईल कर लेना है आपको। मैं इसमें कटोरी या रिंग नहीं रख रही हूँ, कोई स्टैंड नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई गोल है और मेरा टीन चौकोन है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अच्छे से फिट बैठ रहा है। आप रखने से पहले इसमें कुछ भी रख लीजिए, रिंग वगैरह। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए पकने देंगे। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं हमारे ढोकले को पकते हुए। हम नाइफ की मदद से इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, नाइफ हमारी बिल्कुल क्लीन है, ढोकला हमारा बनकर रेडी है। साइड में एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए पक चुका। इसको निकाल कर हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, तब तक हम तड़का इसका रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून में इसमें राई। तो मस्टर्ड सीड्स को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। इसमें कड़ी लीव ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ते,
को भी थोड़ा सा तड़का लेंगे। अब इसमें मैं 3 ग्रीन चिलीज को कट करके ऐड करूंगी। एक कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, एक स्मॉल कप पानी ऐड करेंगे इसमें। 1/4 चम्मच शुगर और 1/4 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। और 1/2 लेमन जूस इसमें ऐड करना है हमको, इसको हमें खट्टा मीठा बनाना है। हम इसको पका लेंगे। थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ हरा धनिया कट करके इसमें ऐड किया है, क्योंकि मुझे हरे धनिया का फ्लेवर पसंद है इसलिए। तो ये देखिए हमारा तड़का बनकर रेडी है, इसको ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा तड़का ठंडा हो रहा है तब तक हम ढोकले की चटनी बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 3 हरी मिर्चें ली है, 2 छोटे अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है। इसमें थोड़ा लेमन जूस ऐड करेंगे। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सर में। आप चाहे तो इसमें ढोकले को तोड़कर भी डाल के फिर ग्राइंड कर सकते हैं चटनी के साथ। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। ढोकला भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसने किनारों को छोड़ चुका है, पर फिर भी मैं नाइफ की मदद से कट कर लूंगी, थोड़ा नाइफ चला लूंगी किनारों पर। इसको पलटी कर देंगे हम प्लेट में, थोड़ा टैप टैप करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से हमारा ढोकला निकल गया है, बहुत स्पॉन्जी बना है। हमने विदाउट इनो बनाया है इसको, फिर भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनकर रेडी हुआ है। अब इस पर तड़के को डाल देना है हमको। तो ये देखिए तड़के को हमने डाल दिया है इस पर। अब हम इसको नाइफ से कट कर लेते हैं। कितना स्पॉन्जी बना है हमारा ढोकला, बहुत इजीली कट हो रहा है। बहुत ही आसान रेसिपी है ढोकला बनाने की। 20 मिनटों में हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ढोकले को हमने कट कर लिया है, कितना स्पॉन्जी बना है हमारा ढोकला। देखिए मैं इसको इतनी ताकत से दबाकर छोड़ रही हूँ, फिर भी ये वापस अपनी शेप में आ रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ढोकला हमारा, और जालीदार ढोकला हमारा बनकर रेडी हुआ है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा खमन ढोकला विद चटनी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।